Hey guys, क्या आप जानते हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसे मेटल आई मीन धातु खाने का बहुत ज्यादा शौक था। जी हाँ, लेकिन आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे कि कोई व्यक्ति मेटल कैसे खा सकता है, यदि उसे खा ले तो पचा कैसे सकता है। जी हाँ, ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे, तो सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में जरूर मिलेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू। 1950 में मिचेल लोटिटो नाम के एक व्यक्ति का जन्म फ्रांस में हुआ और वे एक अजीब ही चीज़ खाने के शौकीन थे। जी हाँ, उन्हें सामान्य खाना कभी भी नहीं पचता था। जैसे हम नॉर्मल खाना खाते हैं, उबला हुआ खाना, वे नहीं पचा पाते थे, लेकिन ऐसा असामान्य खाना जो हमारे बस की बात नहीं है वे खाकर वे पचा लेते थे। जी हाँ, जैसे नाखून, रबड़, प्लास्टिक और बहुत सारे मेटल जिसे हम नहीं खा सकते, वे उन्हें खा लेते थे और पचा लेते थे। जी हाँ, उन्हें एक अजीब सी बीमारी थी। आपको बता दें कि उन्हें पिका नाम की एक बीमारी थी जिसमें सामान्य खाना नहीं पचता, लेकिन ऐसी चीज़ें जो हमारे बस की बात, सामान्य लोगों की बस की बात नहीं है, वे उसे खाकर पचा सकते थे। जी हाँ, उनकी पेट में एक संरक्षण परत थी जिसके कारण वे असामान्य चीज़ों को पचा सकते थे, लेकिन उन्हें सामान्य खाना पचाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था। जी हाँ, है ना अमेजिंग। इस तरह के अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।